इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हॉलीवुड हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मॉन्स्टर नहीं हो, सॉरी। नेला डेला, क्या तुम्हारे डैड घर पर है? आपको क्या लगता है? नहीं, वो स्कूल में क्लास ले रहे हैं। हाय एमिलिया। हेलो ब्यूटीफुल गर्ल। Hey, fly. Hey. क्या है वहाँ? प्लीज यहाँ आकर मेरी मदद करो। शांत हो जाओ। इस टेबल को साफ करो प्लीज। तुम इतनी देर कहाँ गई थी? घर के लिए सामान लाने। सामान लाने इतनी देर? तुम्हें भूख लगी है या नहीं? पर डैड ने कहा। अब बहस मत करो डैड के चमचे, मेरी मदद करो। पता नहीं डैड कहाँ रह गए। आर्थर, मैं बर्बाद हो गया।
अब मेरा पब्लिशर मेरी बुक पब्लिश नहीं करना चाहता, उसे मेरी पोएट्री सब दिलचस्प नहीं लगती। तुम ही बताओ अब क्या करूँ मैं? उनमें रोमांस की कमी होगी। ऐसा नहीं है, तुम्हें तो पता है मेरी हर एक पोएट्री कितनी रोमांटिक हाँ। होती है। अब मैं अपना सपना कैसे पूरा करूँ? तुम कितने क्यूट हो, घर चलोगी? बिस्किट्स खिलाऊंगी। फिर भी लिख रहे हो, मानना पड़ेगा। जरा दिखाना, एमी, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत, बताओ मैं तुम्हारा दिल कैसे जीतूं? ऐसा कौन सा रास्ता है जो तुम्हारे दिल तक मुझे सीधा पहुंचा दे? तुम उसे अपने दिल की बात क्यों नहीं कहते थे? मैं? हाँ बिल्कुल, तुम। आता हूं। हेलो बच्चों। आप उस अजीब आदमी से इतनी देर तक क्या बात कर रहे थे? वो कोई अजीब आदमी नहीं है, वो मेरा एक पुराना दोस्त है जो कि एक पोएट है। आखिर दोस्त ही तो मुश्किलें आसान करते हैं। ये क्या? योहानस, फॉक्स को लेफ्ट में और स्पून्स को राइट में रखते हैं। तो डैड क्या कल मुझे पूरा दिन इसके साथ घर पर रुकना पड़ेगा? रुक भी जाओ लेकिन मैं इसकी होमवर्क में कोई मदद नहीं करूंगी। तो इस साल क्रिसमस की छुट्टियों में हम कहीं नहीं जा रहे हैं, कितना बोरिंग है। बोरिंग है? घर पर कितना कुछ है करने के लिए। योहानस, तुम्हें अपना ढेर सारा होमवर्क खत्म करना है। पिछले एक घंटे से तुम लगे हुए हो इस पर एक पेज भी नहीं लिख पाए हो। समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं। कुछ भी लिखने की शुरुआत इस तरह से करो कि पढ़ने वाला उसे एक ही बार में लास्ट तक पढ़ना चाहे। लिखने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मुझे डर लग रहा था। ओह योहानस, और मुझे बहुत ही बोरिंग लग रहा था। क्या बोरिंग लग रहा था? कम ऑन योहानस, अपने विचारों को लिखना मजेदार है, तो सोचो और लिखो। लाइफ में कई चीजें करनी हमें पसंद नहीं पर हमें करनी पड़ती हैं। मैं ये सब पहले भी सुन चुकी हूँ डैड। योहानस, मुझे लगता है तुम कुछ भूल रहे हो। क्या हुआ बेटा? यहाँ कोई था डैड, बॉटल के पीछे। क्या बात कर रहे हो? वहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है। वो एक इंसान था, विश्वास कीजिए। तुम पर विश्वास करेगा भी कौन? डेला डेला, सच कह रहा हूँ डैड, मैंने देखा एक छोटा इंसान। तुम्हारी इमेजिनेशन की दाद देता हूँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर मॉम ने कहा था वो होते हैं, जब सब सो जाते हैं तभी वो बाहर निकलते हैं। मुंह बंद रखो। शायद वो एक चूहा ही होगा। ठीक कहा, चलो अब सोते हैं, तुम्हें एक नई कहानी सुनाऊंगा, जंगल के शेर की कहानी। चलो। योहानस, याद है मैंने क्या कहा था? कि डैड को कभी मॉम की याद मत दिलाना। योहानस, मैं डैड को दुखी नहीं देख सकती, समझ गए? हम्म,
फ्लाई। फ्लाई, शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, डरो मत तुम। मेरा नाम योहानस है। योहानस? कितना अजीब नाम है। और तुम कौन हो? मैं हूं एक विपलाला। विपलाला? डरा दिया तुमने मुझे। ओके, सॉरी। तुम यहां कैसे पहुंचे? मैं रेंग रहा था, रेंगते रेंगते मैं एक बहुत बड़ी टनल में पहुंच गया जहाँ मुझे रोशनी नजर आई और मैं यहाँ आ गया। और जब मैं वापस जाने के लिए निकल रहा था तो इस शैतान मॉन्स्टर ने मुझ पर हमला किया। मॉन्स्टर? पर ये तो हमारी कैट है फ्लाई, वो कुछ नहीं करेगी। करेगी भी कैसे, मैंने उसे फ्रीज जो कर दिया। क्या कर दिया? स्टैचू कर दिया। विपलाला अक्सर यही करते हैं। ओह। ओके, अब इसे वापस पहले जैसा कर दो। क्या? मुझे मेरी कैट वापस चाहिए। क्यों नहीं, ठीक है। आ, 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 आ,
क्या मैंने तुम्हें बताया कि मेरा जादू कभी कभी चल जाता है, कभी कभी नहीं भी चलता? क्या कहा? गलती हो गई। क्या तुम कंफर्टेबल हो? हाँ बिल्कुल, बहुत कंफर्टेबल हूँ। आज मैं अच्छे से सो पाऊंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। डैड, स्कूल के लिए देर नहीं हो रही? हाँ। डैडी। क्या बेटा? स्कूल। मुझे लगता है आप कुछ भूल रहे हैं डैड। क्या? हैव अ गुड डे नेला डेला। हैव अ गुड डे नेला डेला। अपना ख्याल रखना डैड। उठ जाओ अलसी कहीं के। डैड स्कूल के लिए निकल चुके हैं और मैं भी बाहर जा रही हूँ, तो तुम जा रही हाँ, हो? मैं पूरे दिन घर पर नहीं बैठ सकती। पहले पार्क जाऊंगी, उसके बाद फ्रेंड के घर पर लंच करूंगी और शाम को लौटूंगी। विप्लाला, विप्लाला, ये लजीज चीज आखिर है क्या? So many birds up in the sky. No, it's not a trust to be lonely. Turns out that in my little life, I never was the one and only. And it crazy. How much little things count? You showed up and turned my world around. Ready? We belong like birds of a feather. Johannes, तुम कहाँ थी? फ्रेंड से मिलने गई थी, क्योंकि सब छुट्टियों में शहर से बाहर घूमने जा रहे हैं। वैसे आज डिनर में क्या है?
डैड, आपने कहा था आज का डिनर आप बनाएंगे। दुनिया का सबसे टेस्टी पिज्जा है। क्या? हम सबको पसंद है, मेरे डैड को, मेरी बहन को और तुम्हारी मॉम को। मेरी मॉम को भी पसंद था। खाकर देखो, तुम्हें पसंद आएगा। ये बहुत ही फ्रेश है। ये तुम्हें फ्रेश लगता है? इसे कहते हैं फ्रेश। वाह। अब खाने में मजा आएगा। लाओ। हेलो। शाबाश, तुम कर सकते हो। फ्लाई फ्लाई। कहीं घूम गई क्या? हाँ, कहीं देख नहीं रही। मैंने भी उसे कल से नहीं देखा। फ्लाई, कहाँ हो तुम? फ्लाई, गुड मॉर्निंग। फ्लाई, बाय बेटा। बाय डैड। गुड बाय, टेक केयर। फ्लाई फ्लाई, कहाँ हो तुम? फ्लाई फ्लाई, कहाँ चली गई? फ्लाई, कहाँ हो तुम? फ्लाई फ्लाई। विप्लाला, उठो, सुबह हो गई। तुम्हारा नाश्ता भी तैयार है, फ्रेश हो जाओ। नाश्ता तैयार हो गया? हाँ, तैयार है। आज नाश्ता डैड ने बनाया है। मेरी बहन और मैं क्रिसमस की छुट्टियाँ मना रहे हैं। तुम फ्लाई को पहले जैसा बनाने वाले थे। भूल गया। जल्दी से इसे ठीक करो। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा जादू कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं। तुम कर सकते हो। ये लो, इस पर एक्सपेरिमेंट करते रहो। इसे वापस पहले जैसा कर दो। प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी नहीं कर सकता। तुम ये बिल्कुल कर सकते हो। कम ऑन, कोशिश तो करो। सोच क्या रहे हो? कम ऑन। मैंने पहले ही कहा था। योहानेस, इधर आओ। तुम्हें कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा कि ये फ्लाई फ्लाई। योहानेस, हमारी फ्लाई को क्या हो गया? कुछ नहीं। कुछ नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्या तुम फिर से डांटोगी? हाय, एक्चुअली ये मेरी गलती है। सॉरी। तुम कौन हो? तुम मुझे विप्लाला कह के बुला सकती हो। विप्लाला के पास जादुई शक्ति है, ये कुछ भी कर सकता है। ओके, अपने जादू से इसे वापस लाओ। वैसे भले ही मैं जादू करता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा जादू काम वो दरअसल स्टैच्यू बना देता है, पर वापस नहीं, पहले जैसा नहीं बना पाता। ओ, ये एक स्पाइडर था।
सॉरी। चलो जल्दी करो सुस्त मुर्गे। वो क्या ये हमेशा ही ऐसी? कैसी बदतमीज? जिस दुनिया से मैं आया हूँ वहाँ इसे सनकी कहते हैं। ये रहा तुम्हारा क्रिसमस ट्री। थैंक यू। कहिए क्या चाहिए? इतना छोटा ट्री क्यों है? क्योंकि हमारे बजट में यही फिट होगा, समझ गए? क्या मैं इस पर अपना जादू चलाऊं? नहीं, तुम इस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे। चलो जल्दी चलो। ओ नेला नेला, योहानस, मेरे हाथ से फिसल रहा है। पकड़े रहो, बस थोड़ी देर और। कम ऑन, जल्दी चलो। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? अपने काम से काम रखो चचा। यानी कि सच है, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं विप्लाला। ओप्स। इन्हें पहले जैसा करो। कभी कभी मेरा जादू चल। अभी करो। कभी कभी नहीं भी। कहाँ ना अभी करो। नहीं नेला डेला नहीं। विप लाला। आओ नेला डेला, क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं। डैड कहाँ है? जब वो लौटेंगे तो मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, डैड इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करेंगे। देखो मेरा जादू कभी कभी काम करता है, कभी कभी। हाँ पता है, ये तुम पहले भी कह चुके हो। विप्लाला हमारा सीक्रेट है, अगर तुमने डैड को बताया तो मैं भी तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा। जैसे कि तुम मेरा ठीक से ख्याल नहीं रखते। हाँ सही कहा इसने। क्या तुम्हें इस स्टैच्यू के बारे में कुछ पता है? नहीं। अच्छा स्टैच्यू है, पर ये हमारे दरवाजे के बाहर क्यों है? ये आर्थर हॉलिडे है, एक मशहूर पोएट। इनकी पोएट्री पढ़ी है ना? ऑफ कोर्स, सारी पढ़ी है। पर ये आर्थर जैसा नहीं दिखता। असल जिंदगी में तो वो कितना हैंडसम है। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन भी नहीं हो रहा, ये सब मैं क्या देख रहा हूं? ये सब हुआ कैसे? आर्थर। हेलो, माफ करना इस वक्त मैं आपकी कॉल नहीं ले सकता, पर इस टोन के बाद आप मैसेज छोड़िए, मैं लौट कर आपको जरूर कॉल करूंगा। थैंक यू। आर्थर मैं हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने अपना बड़ा सा स्टैचू मेरे घर के बाहर क्यों लगवाया है। प्लीज मुझे जल्दी कॉल करो। आर्थर मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है, बताओ तो क्या है? एक क्रिसमस प्रेजेंट? नहीं, उससे भी बढ़िया।
बहुत दूर है क्या? नहीं। और कितना चलना होगा डैड? तुम दोनों इतने में ही थक गए, बस पहुंचने वाले हैं। बोलो डैड को इस नमूने के बारे में कब बताएंगे? मैं कोई नमूना नहीं हूँ, समझ गई? क्या कहा इसने? इसने कहा मैं कोई नमूना नहीं हूँ। सब गड़बड़ हो गई, पहले हमारा पड़ोसी, फिर हमारी बिल्ली। वैसे उस पड़ोसी का पुतला मुझे अच्छा लगा, पर मुझे फ्लाई वापस चाहिए। जल्दी चलो बच्चों। ये रहा सरप्राइज। डैड इतना महंगा रेस्टोरेंट? हमारी रिजर्वेशन है। इससे अच्छा होगा आप हमें बर्गर खिला दो। हाँ, या बढ़िया सी फ्राइड फिश। वाओ, राजा महाराजा यहाँ डिनर करते हैं? तो बताइए आप दोनों क्या खाना पसंद करेंगे? मेरे लिए कुछ फ्रेंच फ्राइज प्लीज। क्या कहा? फ्रेंच फ्राइज और एक फ्राइड फिश। माफ करना, हम यहाँ फ्रेंच फ्राइज और फ्राइड फिश नहीं बनाते। पर क्यों नहीं? हाँ, ये लोग नहीं बनाते। मुझे लगता है आपको सरप्राइज मेन्यू ऑर्डर करना चाहिए। ओ अच्छा, ये रही आज की स्पेशल डिश, मजा आएगा, एंजॉय। हाँ, थैंक यू, बहुत भूख लगी है। एंजॉय। कम ऑन बच्चों, ऐसी शक्लें मत बनाओ। हाँ डैड, मैं खा रही हूँ। ओके। टेस्टी है ना? योनस, गुड बॉय। मैंने तुमसे क्या कहा था? मुझे भी चाहिए। नहीं बेटा। Excuse me? आप बाहर से खाना नहीं ला सकते, वो देखिए लिखा है वहाँ पर। लेकिन हम ये थोड़ी लेकर आए। माफी चाहता हूँ, पर आप सभी को अभी यहाँ से जाना होगा। देखिए, मैंने कहा ना कि हम ये लेकर नहीं आए। सुनिए, हमने कुछ नहीं किया। हेलो, हमें यहां से बाहर निकालिए। मेरा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। प्लीज हमें बाहर निकालिए। डैड। ये सब मेरी वजह से हुआ है। डैड, ये विपलाला है। हेलो। और इसीलिए मैंने इन्हें हॉट डॉग और फ्राइड फिश ला दिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, कई बार मेरा जादू अच्छा चल जाता है। मुझे लगा ये सब सिर्फ किताबों में होता है, पर तुम तो। डैडी, ये बहुत अच्छा है, ये सब इसने हमारे लिए किया है। और आज इसने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। अब मैं इस रेस्टोरेंट में दोबारा अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? घटिया रेस्टोरेंट है जहाँ फ्राइज भी नहीं मिलते। हो सकता मेरी नौकरी चली जाए। अब मैं क्या करूँगा अगर मुझे जेल हो गई तो? डैड प्लीज, आप जरा शांत हो जाइए। कम ऑन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। डैड डैड संभल कर, इसके पास जादुई शक्ति है।
मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। ओके आइए इंस्पेक्टर, मैंने उन तीनों को ये काम किया। देखो तुम्हें जो भी जादू करना है जल्दी करो और हमें यहाँ से बाहर निकालो। वो लोग यहाँ है। यहाँ कोई भी नहीं है। हाँ और मैंने खुद ही लॉक किया था। तो फिर गए कहाँ? प्रॉब्लम ये है कि कोई नहीं को अरेस्ट कैसे करे। चलो नहीं रुक जाइए, मुझे लगता है वो कहीं छिपे हैं। वो रहे उस टिकी टेप के पीछे। चलो ओके, बाहर आ जाओ। हाय, कहाँ फंस गए? ऐ, देख क्या रहे हो? मुझे मुझे यहाँ से निकालो। सॉरी। शुक्र है हम इनसे बच तो गए। थैंक यू सो मच विप लाला, तुमने कमाल कर दिया। अब हमें वापस बड़ा कर दो। प्लीज नहीं डैड। क्यों नहीं? मैं फिर से पहले जैसा बनना चाहता हूँ। चलो जल्दी बड़ा करो। नहीं। पर क्यों नहीं? चलो हमें बड़ा करो, जल्दी बड़ा करो, जल्दी। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। कोशिश करने में? इसका जादू सिर्फ एक तरफा है डैड। एक तरफा जादू? मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं? वो आर्थर का बड़ा स्टैचू। हाँ। दरअसल वो एक स्टैचू नहीं है, वो तो आर्थर हॉलिडे, मेरा दोस्त। संभल कर बच्चो। संभलो। हमें कहाँ ले जा रहे हो वे प्लाला? मुझे भूख लगी है और यहाँ ठंड भी है। अब मैं घर जाना चाहता हूँ, वैसे ही जैसे मैं पहले था। क्या तुम्हारी तरह कोई और है जो हमारी मदद कर सकता है? हाँ। और क्या वो अपने जादुई शक्ति से हमें पहले जैसा बना सकता है? ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जादू मैंने किया है। तो बताओ अब हम अगर कैसे... तुम्हारे जादू से हम छोटे हो गए हैं तो दूसरा विपलाला हमें पहले जैसा बना देगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसने जादू किया उसी को ठीक करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, हमारी तरह जैसे इस वक्त हम हैं। जानता हूँ। तो अब हम पहले जैसे नॉर्मल कैसे हो पाएंगे विपलाला? हम विपलाला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब तुम्हें ही सब ठीक करना होगा। तो बताओ विपलाला लैंड कहाँ है? विपलाला, एक बहुत ही लंबी टनल की दूसरी ओर जो शुरू होती है।
हमारे किचन के कबर्ड से। हाँ तो चलो चलो जल्दी चलो चलो यहाँ से चलो। बच्चों थोड़ा धीरे चलो। प्लीज डैड बस थोड़ी ही दूर है। हम बस पहुंच ही गए हैं है ना। मैं थक गया हूं और इस ठंड को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लगी है। रुक जाओ बच्चों। पर डैड हमने कुछ नहीं खाया है, हमें बहुत भूख लगी है। तो क्या करें, हम इस तरह से चुरा नहीं सकते। अभी अभी तुमने चिप्स कहा ना। हम लाला, तुम अब तक सोए नहीं हो। तुम लोगों की यह हालत मेरी वजह से हुई है। पर मुझे अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। हे, कल हम घर पहुंच जाएंगे। तुम उस टनल में जाकर एक और विप्लाला को ले आओ ताकि हम पहले जैसे बन जाएं। क्या तुम घर वापस जाना चाहते हो? तुम घर से भागकर आए हो? ये उस रात की कहानी है जब मुझे अपनी जादुई शक्ति का प्रदर्शन करना था, पर मैं कभी कभी फेल हो जाता हूँ और कभी कभी पास, है ना। क्या मैंने तुम्हें पहले बताया? हाँ, कई बार। मैं विप्लाला लैंड वापस नहीं जा सकता दोस्त, ये सच है। ग्रैंडमा, ग्रैंडमा, लगता है आपके स्टोर में बहुत सारे चूहे आए थे। ग्रैंडमा के स्टोर में चूहे हैं, ग्रैंडमा के स्टोर में चूहे हैं।
जू। यहाँ पर खेलना बंद करो, जाओ वहां पर जाकर बैठो। ठीक है। गुड मॉर्निंग, ब्रेकिंग न्यूज, आज शहर में एक अजीब सी घटना घटी है। जादुई शक्ति का इस्तेमाल करूं? नहीं विपलाला, मैंने तुमसे कहा था ना, अब किसी पे जादू अदो मत करो। जैसा कि आप सब यहाँ देख सकते हैं कि ये बड़ा सा स्टैच्यू शहर के बीचों बीच ट्रैफिक का कारण बन चुका है, और अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये स्टैच्यू यहाँ पर आया। ग्रैंडमा, इसकी बैटरी कहाँ रख दी? उस ड्रॉवर में देख लो बेटा। नहीं वहाँ नहीं है, मैं चेक कर चुका हूँ। क्या आप इस स्टैच्यू के बारे में कुछ बता सकती हैं? कोई भी नहीं जानता कि ये स्टैच्यू यहाँ कैसे आया। हाँ, पर जिसका ये स्टैच्यू है उसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो एक पोएट है जो वहाँ बैठता है। अब आर्थर हॉलिडे अचानक से कहाँ गायब हो गए हैं ये अब तक एक मिस्ट्री ही है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये स्टैच्यू आर्थर हॉलिडे का ही है, पर ये पता नहीं चल पाया है कि ये सब कैसे हुआ। पर मैं सब कुछ जानता हूँ। अगर वो सामने नहीं आते तो इस स्टैच्यू को यहाँ से हटा दिया जाएगा। नहीं, मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरे दोस्त को मेरी जरूरत है। डैड, नहीं डैड। हे, ये आप क्या कर रहे हैं? डैड, संभल कर। ओहो, कहाँ फंस गया? तुम्हें कहा ना इस स्टोर में मत खेलो, चलो निकलो यहाँ से। योहानिस, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम आ रहे हैं डैड। डैड, डैड, क्या आप ठीक हैं? डैडी, यहाँ खतरा है, इन्हें वहाँ ले चलो। आराम से उठिए डैड, उठ जाइए। ऐसी बेवकूफी फिर मत करना डैड। आपको थोड़ा सब्र से काम लेना होगा, अगर आपको कुछ हो जाता तो। बस नसीहत मत दो। रेड पॉइजन, डू नॉट टच। यहाँ बहुत खतरा है, चलो यहाँ से। मेन, तुम्हें कहा था ना ये कार लेके बाहर जाओ। सॉरी। hey! अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ। बहुत हो गया अमीन, ये सब क्या हो रहा है? मैं इसका पीछा कर रहा था ग्रैंडमा। ओ, ओहो, पक्का रखो।
ये रहा आपका बिल और ये बाकी के पैसे। अगर आपको कोई चीज रिप्लेस करनी हो तो आप दो से पांच के बीच में आ सकती हैं। चुप रहो मीन, माफी चाहती हूँ, ये मेरा पोता बहुत बदमाश है। चुप करो, मैं अभी आई। ओ मीन, इधर आओ, कार बाद में ढूंढ लेंगे। ग्रैंडमा मेरा हाथ छोड़ दो, उसने मेरी कार चुराई है, मुझे मेरी कार वापस चाहिए। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती? मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें स्लाइस केक दूंगी। अमीन, तुम्हारी कार बाद में ढूंढ लेंगे, चलो अंदर जाओ। सॉरी, हाँ तो बताइए और क्या चाहिए? मुझे एक ब्रेड का पैकेट। अब आगे क्या कर रहे हो बिपलाला? शुक्रिया नैला डला, पर ये मेरा नहीं तुम्हारे भाई का आइडिया था। क्या बात है योहानस, मैं आज तक इतने स्मार्ट बच्चे से कभी नहीं मिला हूँ। मेरे साथ रहकर ही तो स्मार्ट हुआ है। सामने देखो। चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ, मैं कल ही उन्हें मिल लेता हूँ। बचाओ, बचाओ! ओहो, ये कच्चा सामान रहेगा। जी हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनसे मिलना ही अच्छा होगा। शट अप! सॉरी सर, आपसे नहीं कह रहा हूँ। ओह,
टॉमी, टॉमी छोड़ो उसे, छोड़ो छोड़ो। आखिर इसमें ऐसा क्या है? चलो टॉमी, जाने का वक्त हो गया। बाय। बचाओ बचाओ बचाओ। नहीं टॉमी, चलो चलो। बचाओ बचाओ बचाओ। डैड चलिए चलिए। मेरा हाथ। ओहो, लगता है इन्हें गहरी चोट लगी है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। ओके। वैसे ये हॉस्पिटल क्या चीज होती है दोस्तों? आराम से। जल्दी ठीक हो जाएंगे डैड। बहुत दर्द हो रहा है बेटा। सिस्टर। यस डॉक्टर। मैं अगले 2 घंटे तक ऑपरेशन थिएटर में रहूंगा, ठीक है? आप फिक्र मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगी। और रूम 203 में उस छोटी लड़की का ध्यान रखना। ठीक है डॉक्टर। हमें रूम 203 में जाना चाहिए। 203 में ही क्यों? क्योंकि वहाँ एक छोटी लड़की है, हमारी मदद कर सकती है। ठीक है, बड़े हमारी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे। ठीक है, ट्रॉली का पीछा करो। ओहो। मॉम, मुझे वो कार चाहिए। जिद मत करो। हाय। इस पेशेंट की हालत बहुत खराब है। मैं देखता हूँ। बाय मॉम। तुम्हें ये सारा खाना खत्म करना है, डॉक्टर्स के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं। ठीक है। तुम्हारी मदद चाहिए, ये देखो। अरे क्या कर रहे हो? हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। हमें बस तुम्हारी मदद चाहिए। बोलने वाली डॉल्स? 4 छोटी बोलने वाली डॉल्स? हम डॉल्स नहीं हैं, हम मामूली इंसान हैं। हाँ, मतलब हम पहले मामूली इंसान थे, फिर एक नमूने ने जो है हमें ये बना दिया। ये जादू कर सकता है। पर कभी कभी, मतलब बाकी के सारे लोग पूरी जिंदगी छोटे ही रहोगे? नहीं, ऐसा नहीं है, सब ठीक होगा।
मेरा हाथ। घर जाते समय इनका एक्सीडेंट हो गया, इन्हें अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है। आज काफी इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है, और तुमने अपना लंच भी फिनिश कर दिया। गुड गर्ल। अब मुझे अच्छा लग रहा है डॉक्टर। तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे? प्रॉमिस कीजिए किसी से कुछ नहीं कहेंगे। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। क्या बात है? क्या घर पर कुछ हुआ है या? आप प्रॉमिस करेंगे? कहा ना, नहीं बताऊंगा। हेलो डॉक्टर, मेरे हाथ में दर्द है। रुको डॉक्टर, प्लीज हमारी हेल्प करो। पर आपने प्रॉमिस किया था। यस डॉक्टर। नर्स, मुझे एक मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए। क्या मैग्नीफाइंग ग्लास? हाँ, और एक्सरे के लिए एक अपॉइंटमेंट भी। ज्यादा सवाल मत पूछो। मैंने इससे छोटा फ्रैक्चर आज तक नहीं देखा। सब ठीक है ना? गुड इवनिंग। पोएट आर्थर हॉलिडे का अचानक से गायब हो जाना और उनके स्टैच्यू का यहाँ आना एक बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है। एम्स्टर्डम के लोगों को अभी तक इस स्टैचू के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चल पाया है। जल्दी जल्दी खा लो और आज हम जल्दी सो जाएंगे, कल सुबह हमें निकलना है। लेकिन एक बात देखी गई है कि आर्थर हॉलिडे के गायब होने के बाद से लोग उनकी कविताओं में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उनकी ढेर सारी पोएट्री बुक्स बिक चुकी हैं। एम्स्टर्डम के सभी लोग आर्थर हॉलिडे की वापसी के लिए प्रे कर रहे हैं। मैं आर्थर की पोएम से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। उसने मेरे लिए खास पोएम भी लिखी है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस स्टैचू से यहाँ ट्रैफिक की समस्या बढ़ गई है, और मिस्टर वैंडेले हमें इस स्टैचू के बारे में बताएंगे। हेलो, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई नहीं जानता कि इस पोएट के स्टैचू को यहाँ कौन रख कर गया है, और हमें इस स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर्स मिले हैं। कल इस स्टैचू को यहाँ से हटा दिया जाएगा ताकि ट्रैफिक को। आर्थर, तुम जहाँ भी हो प्लीज जल्दी लौट आओ। मैंने तुम्हारी सारी पोइम्स पढ़ी हैं। तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हारे फैंस तुम्हारी राह देख रहे हैं। लौट आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ आर्थर। बेचारी एमिलिया। बेचारा तो मेरा दोस्त आर्थर है, वो लोग उसे कहीं फेंक देंगे। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। डैड चलो वापस चलते हैं, विपलाला जरूर उसे। बस करो तुम, ये आदमी सिर्फ मुश्किलें खड़ी करता है, ये क्या मदद करेगा? पर डैड, हमें उसे एक चांस देना होगा। नहीं, मैं नहीं दे सकता योहानिस। हम कल सुबह चले जाएंगे, अभी यहाँ से जाना ठीक नहीं होगा। कल सुबह तक तो देर हो जाएगी। मैंने कहा ना कल चले जाएंगे। आओ, 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 आओ। तुम भी आर्थर हॉलिडे के बारे में सोच रहे हो? हाँ। तो हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है। पहले मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ।
इन्हें नहीं ले जाना? नहीं, सिर्फ तुम और मैं। तुम किसी और विप्लाला को नहीं ला सकते। तुम्हें ही अपने जादू से आर्थर को ठीक करना होगा। हाँ, लेकिन कैसे? तुम्हारा पिज्जा खाने का मन है? जल्दी करो। कोशिश करता हूँ। ठीक है। और तेज विप्लाला, वरना पकड़े जाएंगे। इससे जल्दी नहीं चल सकता। ठीक है, अपने हाथों को इस तरह साइड्स पर रखो और चलते रहो। One, two, one, two, one, two. ये रहा आपका ऑर्डर मैडम। सॉरी, एक मार्गरिटा पिज्जा और ये रहा आपका ऑर्डर। आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये पिज्जा आपने ऑर्डर किया है। पर मैंने ऑर्डर किया ही नहीं था। हाँ, आप ही ने किया था। नहीं किया था। कहा ना आपने? मैंने कहा ना, नहीं किया था। ये पिज्जा वापस ले लो, समझे? क्या ये ऑर्डर तुम्हारा है? बोलो ना। क्या टाइम पास है? आइंदा ऐसा मजाक मत करना, समझी? नेला डेला, दोनों गायब हो गए। डैड उठिए, डैड। हाँ, क्या हुआ? योहानिस चला गया। क्या? शायद वो पिज्जा उन्होंने ही मंगाया था। क्या कहा? ओह नो, जल्दी चलो, उठो मेरे बच्चे, हमें हमेशा साथ रहना होगा, हमें उसे रोकना होगा। कैसे कैसे लोग हैं। हे, रुक जाओ। हे, रुक जाओ, रुक जाओ। हेलो, कह रही थी कि उन्होंने पिज्जा नहीं ऑर्डर किया। हाँ, आता हूँ। रुक जाओ, वो मेरा पिज्जा है। आ? तो क्या तुमने पिज्जा ऑर्डर किया था? ये रहा, एंजॉय करो। ओह नो, तुमने यही तो ऑर्डर किया था, अ मार्गरिटा पिज्जा। योहानस, मैंने यही ऑर्डर किया था ना? हाँ, यही तो है। ये देखो रिसीप्ट, वन पिज्जा मार्गरिटा। योहानस, चलो पे करो। क्या कर रहे हो तुम? जल्दी इधर आओ। कूद जाओ, मैं पकड़ लूंगा। जल्दी करो, कम ऑन, मुझे लेट हो रहा है। रुको, थोड़ा रुक जाओ ना। प्लीज योहानस, हम तीनों को हमेशा साथ रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। योहानस, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था। मैं जा रहा हूं। Ah! Ah! Ah!
आराम से। ओ योहानिस, मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया। मैं बहुत डर गया था कहीं तुम्हें खो ना दूं मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस तरह बाहर इतनी रात को, अंदर चलो। क्या तुमने सुना? मैं फिलहाल मजाक के मूड में नहीं हूं, चलो अंदर चलो। डैड, आपने सब गड़बड़ कर दी। हम दोनों वो साथ में, वो अकेला नहीं कर पाएगा। योहानिस, योहानिस, गुस्सा थूक दो। ये सब मेरी गलती है डैड। तुम दोनों क्या करना चाह रहे थे? हमने पिज्जा ऑर्डर किया था पास वाले फेमस पिज्जा जॉइंट से। पर क्यों? ताकि हम जल्दी से घर पहुंच सके। अच्छा आइडिया था। विपलाला और मैं, हम घर जल्दी पहुंचना चाहते थे आर्थर को बचाने के लिए। ये सिर्फ वो ही कर सकता है। पर देखो, ये सब उसी की वजह से हुआ ना? ऐसा नहीं है डैड। हाँ ऐसा ही है। वो कर सकता है अगर हम उसका कॉन्फिडेंस ना तोड़े तो। पर अगर किसी से सच कहा जाए तो उससे कॉन्फिडेंस का क्या लेना देना? आप मेरे साथ भी ऐसा ही करते हो। ऐसा कुछ नहीं है। क्या देख रहे हो? इस बार ये सही है डैड। योहानिस, हम अपने प्लान के मुताबिक आज घर पहुंच जाएंगे। मेरी बात मानो, विपलाला हमारा इंतजार कर रहा होगा। मैं जानता हूं कि वो बहुत होशियार है। अगर वो वहां न हो तो हम उसे ढूंढ लेंगे। पर डैड, हम कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे। शायद वक्त पर तो कभी नहीं।
कमाल कर दिया विप्लाला, हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। वो देखो कितना खूबसूरत है। बहुत से काम कर रहे हैं विप्लाला, पहले जाकर आर्थर हॉलिडे को ठीक करना है इससे पहले कि वो लोग उसे वहां से ले जाएं। उसके बाद हम तीनों को ठीक करके घर पहुंचाना है। ये हम कहां आ गए? हम यहां क्यों आ गए? हे, क्या बात है विप्लाला? क्या यहां विप्लाला लैंड जैसी कोई जगह है? नहीं, सच कहूं तो हां, मेरी दुनिया में कोई नहीं, कोई भी नहीं। क्या? उस दिन मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। टेस्ट के दिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सबने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे गुस्सा आ गया। तो क्या सब लोग स्टैचू बन गए और उन्हें ठीक नहीं कर पाए? मैं यहीं पर रहूंगा और कभी जादू का इस्तेमाल नहीं करूंगा। क्या मतलब है? हम ऐसे इस तरह पूरी जिंदगी नहीं रह पाएंगे विप्लाला। हे, हे, सुनो, वापस आओ। ओहो, डियर आर्थर हॉलिडे के चहेते फैंस को मेरा नमस्ते। आप सब के कारण ही आर्थर आज एक बहुत ही फेमस पोएट बन गए हैं। उनकी पोएम्स बेस्ट सेलर बुक्स की लिस्ट में टॉप कर चुकी हैं। यही रहेंगे आर्थर, यही रहेंगे आर्थर हॉलिडे, यही रहेंगे आर्थर हॉलिडे, यही रहेंगे आर्थर हॉलिडे, यही रहेंगे। तुमने सब गड़बड़ कर दी, क्या तुम्हें एहसास है? पहले मेरी बिल्ली, फिर आर्थर, और अब कहते हो कि हमें ठीक नहीं कर पाओगे, और अब इतनी ऊंचाई में लाके बिठा दिया। डैड उसे डांटिए मत, वो हमारी मदद कर रहा है। चुप रहो तुम लोग, मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ। वो लोग मेरे अच्छे दोस्त आर्थर हॉलिडे को ले जाएंगे, लेकिन हमारा विप्लाला नहीं, ये तो कमाल का जादूगर है। डैड प्लीज शांत हो जाइए। चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो? चलो चलो स्माइल करो। चाहता हूं, बोलो। अगर मैं गलत नहीं तो आप एटलस हैं? बिल्कुल सही कहा तुमने,
तुम जरा मेरी पीठ खुजला दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आ, 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 ओह हाँ बिल्कुल वहीं पर। आ, 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 शुक्रिया मेरे दोस्त, मुझे पिछले 200 सालों से पीठ पर खुजली हो रही थी, तो मैं शायद मजाक लग रहा होगा। मैं हर रोज तुम लोगों को देखता हूँ, बिल्कुल इतने से लगते हो, लेकिन आज जब तुम लोगों को पास से देखा तो तुम लोग बिल्कुल चींटी जितने हो। हम पहले इतने छोटे नहीं थे। मेरी बात का बुरा मत मानना, एक ही जगह पर इस गोले को उठाकर मैं सालों से खड़ा हूँ। ये बहुत मुश्किल काम है ना? कोई भी काम मुश्किल नहीं होता मेरे दोस्त। क्या कहा फिर से कहिए? जिंदगी में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, तुम सोचो मत बस करो। क्या मजाक है, मेरी मुश्किल कौन सुलझाएगा? आर्थर हॉलिडे की मदद करनी है, मुझे घर जाना है, मैं जा रहा हूँ। डैड, डैड, वापस आइए। सोचो मत बस करो। डैड, हम पहले जैसे हो गए। क्या बात है? विपलाला, तुमने कर दिखाया। विपलाला? सोचो मत बस करो। अरे देखो वो बच गए।
आर्थर? शायद एक किसी ने पहले जैसा बना सकता है। ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है। आप कोशिश तो कर सकती हैं। कितना मिस किया मुझे। हाँ तुम्हें आर्थर, तुम कितनी खूबसूरत पोइम्स लिखते हो। मेरी इंस्पिरेशन तो तुम ही हो। जब मैंने पहले कभी कहा था कि तुम दोनों दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो। Als je verder wilt, maar het gaat niet. En je beste gooi, die raakt niet. Als iedereen je verloren staan ziet. Man, dan voel je klein, wil ergens anders zijn. Als niemand anders ziet wat jij ziet. En elke kans je steeds voorbij schiet. Heb vertrouwen en laat je hoofd niet hangen en kijk omhoog. Weet je wel? Je vleugels hebt. Als je zelf maar gelooft, kun je alles. Weet je wel dat je vliegen kan? Als je zelf maar gelooft, kun je alles. Dus niet denken, maar doen. Look up. गुड नाइट बच्चों। अब मैं ज्यादा सोचता नहीं, बस कर देता हूं। तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। थैंक यू दोस्त, तुम्हारे बगैर ये सब नहीं। सच नहीं है, अपनी काबिलियत पर यकीन करो। तुम भी।
तुम्हें बहुत मिस करूंगा नेला डेला। ख्याल रखिएगा फादर। बाय बेटा। वो जाना चाहता था अपने घर। हाँ ठीक कहा, हम भी तो यही चाहते थे ना। वो पहुंच गया।
gooi die raak niet. Als iedereen je verloren staan ziet, man, dan voel je je klein, wil ergens anders zijn. Als niemand anders ziet wat jij ziet, en elke kans je steeds voorbij schiet, heb vertrouwen en laat je hoofd niet hangen en kijk omhoog. Weet je wel dat je vleugels hebt? Als je zelf maar gelooft kun je alles. Weet je wel dat je vliegen kan? Als je zelf maar gelooft kun je alles. Dus niet denken maar doen. Soms dan is je dag verregend en lijkt de hele wereld tegen. Dan moet je jezelf moed inspreken, zo van boven de wolken schijnt de zon. Weet je wel dat je vleugels hebt, als je zelf maar gelooft.